इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार के बाद अब बगावत का खेल उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां बीएसपी के 9 बागी विधायक थोड़ी देर में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में यह मीटिंग होगी। ये साफ है कि चुनावी बिगुल बजने से पहले ही उत्तर प्रदेश में दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में जोड़कर आप इस ताजा घटनाक्रम को भी देखें, जहां थोड़ी देर में 9 बीएसपी के बागी एमएलए मुलाकात करने वाले हैं अखिलेश यादव से। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल इस वक्त तेज है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार लाइव जुड़ गई है इस खबर पर। रुचि, क्या है ये ताजा घटनाक्रम? देखिए, बीएसपी ने इन विधायकों को निकाला है और इधर हाल में लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को भी मायावती ने निकाला था। तो सपा की ये कोशिश थी कि ये 11 विधायक एक साथ आए, लेकिन ये जो 2 विधायक हैं ये अभी राजी नहीं हुए हैं। तो जो बाकी 9 बाकी विधायक हैं वो सपा कार्यालय पहुंचे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। चुनाव का बिल्कुल चुनाव सर पे है। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होना है, तो जाहिर है कि सभी पार्टीज अपने को मजबूत करने में लगी हैं और अखिलेश यादव बीएसपी को तोड़ने की उनकी कोशिश है कि जो बीएसपी की ताकत है, जो उनका वोट बैंक है, वो सपा में आ जाए। तो पूरी कवायद उसी उसमें नजर आ रही है। मीनाक्षी, ये जो बागी विधायक है, इनके अगर ये समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं या अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं तो कितना मजबूत हो जाएगा उनका कुनबा? देखिए, ऐसा है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो विधायक होते हैं उनकी अपनी ताकत होती है, उनका वोट बैंक होता है। और कई बार अगर यूपी के पॉलिटिक्स की आप बात करेंगे तो जाति बहुत मायने रखती है। तो जो विधायक अपने इलाके में होल्ड रखता है, वो आसपास के इलाकों में भी उसका होल्ड रहता है। तो इसलिए सपा को ये लग रहा है कि एक तो बड़ा सेटबैक होगा मायावती के लिए। एक मैसेज जाएगा कि ये होता है कि अगर चुनाव के पहले कोई पार्टी में ज्यादा तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो पार्टी मजबूत हो रही है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। तो ये सारी कोशिशें हैं समाजवादी पार्टी की कि चुनाव के पहले अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। मीनाक्षी, रुचि, इन बागी विधायकों के अगर आप नाम दर्शकों को बताएं तो ये समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी किन क्षेत्रों से आते हैं, वहां पर इनका दखल कितना है और कितना नुकसान ये बीएसपी को पहुंचा सकता है। देखिए, इसमें से एक बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा, श्रावस्ती भिंगा से असलम रायनी है, दूसरे हापुड़ से ढोलाना से असलम अली चौधरी है, प्रतापपुर इलाहाबाद से मुश्तबा सिद्दीकी है, हंडिया प्रयागराज से हाकिम लाल बिंद है, सिंधौली सीतापुर से हरगोविंद भार्गव है, मुंगेरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल है, सगड़ी आजमगढ़ से वंदना सिंह है और सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, उन्नाव से अनिल सिंह है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये विधायक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं। रुचि, बगावत के सुर बीएसपी में अब कोई नई बात नहीं रह गई है। अगर आपको पिछले साल का समय याद हो, जब राज्यसभा का वहां का गणित जब बैठाने की कवायद की जा रही थी तो उस वक्त भी बीएसपी में इसी तरीके के बगावत के सुर उठे थे। जी हाँ, देखिए, बीएसपी में बगावत के सुर जो है उठे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बीएसपी में ऐसे हैं जो जिनका कहना है कि उनकी जो नेता है वो पार्टी को पार्टी की तरह नहीं चला रही है, इसका नुकसान उन्हें ग्राउंड पे होगा। इसके अलावा मायावती ने भी अपने बहुत सारे विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। मायावती का कहना है कि पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पार्टी का कहना है इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। ये जो बागी विधायक है अपने अपने क्षेत्र में इनका महत्व है और वो जो उनका लाभ मिलेगा वो बसपा की जगह समाजवादी पार्टी को मिलेगा और बसपा को इस तरह का झटका मिलेगा कि उनके इतने विधायक अगर सपा में चले जाते हैं तो इस तरह का मॉरल झटका आप कह सकते हैं कि उनको मिलेगा। रुचि, 18 में से कितने विधायक ऐसे हैं जो पाला बदल सकते हैं? आपके पास आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, जब मिलने पहुंचे हैं तो जाहिर है कि उन्होंने अपना मन बनाया है कि वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तभी कोई पार्टी दफ्तर में इस तरह से खुलेआम मिलने पहुंचेगा, तो जाहिर है कि वो चाहते हैं कि पार्टी में शामिल हो जाए। अब तरह तरह की डील होती है कि चुनाव में उनको टिकट मिलेगा, उन्हें कितने समर्थक एडजस्ट होंगे पार्टी में, ये सारी चीजें होती है, इस बातचीत नेताओं से की जाती है। मीनाक्षी, रुचि, ये इन जिन विधायकों का जिक्र आप कर रही हैं, इन विधायकों के अगर सिलसिले में हम बात करें, ये तो बसपा को कमजोर करेंगे ही, और क्या इनकी मंशा इसलिए भी इस तरह से बदली है क्योंकि बसपा को कई बार बीजेपी की बी टीम का तमगा भी दिया जाता है और ये विधायक नहीं चाहते कि उनकी सियासी जमीन पर भाजपा पहुंचे?
देखिए बहुत तरह की चीजें हैं यूपी की राजनीति में। इधर हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि मायावती पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के सरकार के खिलाफ खुल के कुछ नहीं बोलती है, वो ट्वीट करती हैं और ट्वीट में भी वो सरकार को सलाह देती हुई नजर आती है। तो जाहिर है कि उनके जो विधायक हैं उनको लग रहा है कि इसका नुकसान उनको चुनाव में हो सका है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे विधायकों को मायावती ने पार्टी से निकाला है, मायावती का कहना है कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ बीजेपी में मंथनों का दौर चल रहा है तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बसपा के बागी विधायकों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। मायावती ये कह रही हैं कि इनको निकालना जरूरी भी है क्योंकि ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रह जाएगी उत्तर प्रदेश में, सियासी जो उनका दम है वो कितना रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। रुचि आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इसी बीच जो तमाम नाम है हम एक एक करके आपको बता दें, हंडिया के विधायक हाकिम लाल बिंद अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं, मुरादाबाद शाहपुर के विधायक सुषमा पटेल भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंची हैं, और ये वो नाम है जिनका जिक्र रुचि अपने इस चर्चा के दौरान कर रही थी। रुचि बीएसपी कमजोर दर कमजोर होती जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में यह संभव है कि इस बार वो बीजेपी के साथ हाथ जोड़ ले, क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट नजर आती है? देखिए ऐसा है, ऐसा तो मुश्किल लग रहा है कि बीएसपी चुनाव के पहले बीजेपी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन करेगी या बीजेपी बीएसपी को मौका देगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है जैसे कि चुनाव के बाद जरूरत हो, ऐसा कहा जा रहा है कि तब बीएसपी बीजेपी को मदद कर सकती है, ऐसी अटकलें यहाँ लगाई जा रही है। जहां तक बीएसपी का सवाल है, पहले भी विधायक टूट टूट के जा चुके हैं वहां से। अभी आपने देखा होगा ब्रजेश पाठक जो पार्टी के बड़े नेता थे, ब्राह्मण चेहरा था बीएसपी के, या स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जो है पिछले चुनाव के टाइम पे पार्टी छोड़ के चले गए थे। उसके पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था। बड़ी तादाद है, आर के चौधरी है, मतलब बीएसपी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ये कहा जाता है कि मायावती जो काशीराम के टाइम के जितने लोग थे सबको मायावती ने पार्टी से निकाल दिया है। इस तरह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन मायावती का कहना है कि ये लोग पार्टी के काम के नहीं है, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मीनाक्षी रुचि, तो मायावती की बात हुई और जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उनकी ओर से कोई बयान आया है? देखिए अभी कोई बयान इस तरह का नहीं आया है, लेकिन मायावती का वही कहना है कि ये लोग बगावत कर रहे थे, पार्टी को नुकसान कर रहे थे, पार्टी में रहने से इनकी पार्टी की छवि खराब हो रही थी तो वो चले गए तो अच्छा हुआ। इसी तरह का बयान मायावती पहले भी देती रही है, लेकिन फिलहाल अभी इस पे कोई बयान नहीं आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए 9 विधायक जा रहे हैं, इनमें से प्रतापपुर विधायक मुज्तबा सिद्दीकी भी शामिल हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।